आज मार्केट्स को सीरीज के पहले दिन ही एक ऐसी खबर का आई थिंक सामना करना पड़ा जिसके लिए एटलीस्ट अगर आप देखें इंडेक्स प्रिपेयर्ड नहीं था, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऑप्शन राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले रखी थी दोनों ही साइड्स पे, बड़ा कमिटेड थे ऑप्शन राइटर्स। हुआ क्या? आज सुबह जब मैं डिस्कशन कर रहा था आज तक, तो मैंने ये बात क्लियर कही थी कि 15900 पे, 15800 पे, 15-16000 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं, 15500 पे, 15600 पे, 15700 पे बड़े पुट राइटर्स हैं, और मैं शॉर्टिंग का व्यू तब तक नहीं रखूंगा जब तक कि आइदर आपको हायर एज मिल जाए, यानी आपको मिल जाए 15850 या फिर 15900 की ट्रैजेक्टरी जो कि 20-day मार्केट ट्रैजेक्टरी है, वो मिल जाए तो सुभान अल्लाह शॉर्ट करने के लिए या फिर लॉन्ग्स पे एग्जिट करने के लिए। लेकिन नीचे कम से कम 15500, 600, 650, 700 की ट्रैजेक्टरी में मैं तो दमखम नहीं रखता हूँ शॉर्टिंग का। और देखिए, इतने बड़े डीप लॉसेस के बाद जब रिलायंस 7% नीचे हो न्यूज फ्लो के बावजूद इंडेक्स ने रिकवरी दिखाई है, दैट मीन्स इस सीरीज के पहले दिन 15500 की इंपॉर्टेंस इंडेक्स ने आपको दिखाई है, पुट राइटर के कन्विक्शन ने दिखाई है। और एक और चीज़ है हर्षा, जब सुबह से इन बाजार कोलैप्स हो रहा था, ये क्लियर कट विजिबल था कि अंडर द लीडरशिप ऑफ एसबीआई कल के अपने मोमेंटम को कायम रख रहा था, अंडर द लीडरशिप ऑफ आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के रोल ओवर 97% था, कोई मामूली बात नहीं है, और साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक। बैंक निफ्टी कोलैप्स करने को तैयार नहीं है, एक इंट्राडे फॉल्स ब्रेकडाउन था आईसीआईसीआई बैंक में करीब करीब 9:45 के आसपास, लेकिन मुझे रत्ती भर अगर आप देखिए उस पर विश्वास नहीं था क्योंकि बैंकिंग का सेटअप अच्छा है। आई थिंक मेरा फेवरेट प्लेस जोन और आई थिंक प्रिफर्ड इंडेक्स हर्षदा ये मेरा प्यारा बैंक निफ्टी डे हाई पर है हर्षदा, और करीब करीब 33503 अगेंस्ट ऑल और इस वक्त आप देखें 33500 के जोन को छूता हुआ निफ्टी एट डे हाई 15723। और यकीन मानिए आज पुट राइटर्स के कन्विक्शन ने काम किया। देखिए रिलायंस जब 6.5% डाउन हो उसके बावजूद ये रिकवरी एक अच्छा शॉर्ट ट्रैप हुआ है ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज। हालांकि मेरा कॉन्फिडेंस था बैंक निफ्टी, आपको बताऊं मैं आपके, क्योंकि रिलायंस के वीकनेस के अगेंस्ट अगर आप देखें तो कोई बोलना बहुत मुश्किल होता है। आप इस वक्त का बैंक निफ्टी का ऑप्शन सेटअप देखिए, देखिए क्या चीज़ हो रही है। निफ्टी बैंक अब कल की हायर शेडो में ट्रेवल कर रहा है, हायर शेडो मतलब वो इंट्राडे हाई और क्लोज उसके बीच में ट्रेवल कर रहा है अब, तो स्ट्रेंथ है। 33,000 पे आज सबसे बड़ा पुट राइटर आया है, देखिए आज का लो वहां पे 15 लाख पुट बिके, आउटस्टैंडिंग वाई 25 लाख, 33,100 पे 8.80 एंड लुक एट 33,200 यहां पे करीब 11,25,000। और मैं फिर कहूंगा 2 बजे की अपनी अप्रोच 647 को हम जाके छू दें कल के इंटरडे हाई को, तो मेरे को बहुत अगर आप देखें तो फर्क नहीं पड़ेगा। और आज का सबसे स्टार प्राइस परफॉर्मर है वो SBI, और SBI इस कार्यक्रम में 2 बार उस पर बात हो भी चुकी है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बट इट्स नाउ 767। SBI अब अपने 200-day और 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 15713 और निफ्टी भी इस वक्त डे हाई पर। आज निफ्टी की लोअर शेडो इतनी वाइल्ड है कि पूछिए मत, इतनी वाइल्ड लोअर शेडो असित लास्ट टाइम बनी थी 26 मई को। निफ्टी की लोअर शेडो आपको कुछ सजेस्ट कर रही है? आई थिंक वीरेन जी, हम जब शो बिगिन कर रहे थे उस टाइम पे भी आई वाज टॉकिंग कि जिससे नीचे के लेवल पे जिस हिसाब से रिकवरी आया हुआ है, आई थिंक इट इज क्वाइट एनकरेजिंग। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से, बट एट द सेम टाइम अगर हम क्लोज में बंद होते हैं या इवन 680-670 के ऊपर भी बंद होता है निफ्टी, आई थिंक दिस इज गुड सेटअप फॉर मंडे। We should be long in the any kind of dips that is coming into way, and bank Nifty is looking quite solid. अगर ये 33500 के ऊपर close देता है, I think we will definitely see much higher level in bank Nifty.